मोटू, पतलू और रुद्रा, आप इन्हें जानते ही होंगे। इन्हें अक्सर आपने दरअसल दुश्मनों से दो दो हाथ करते हुए देखा होगा, लेकिन इंटरनेशनल योगा डे पर जबलपुर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में ये बच्चों के साथ योगा करते नजर आने वाले हैं। आइए आपको इस पर रिपोर्ट दिखाते हैं। मोटू, पतलू, रुद्रा, अक्सर आपने इन्हें दुश्मनों के साथ दो दो हाथ करते देखा होगा। गलत लोगों को हराने वाले, बच्चों को चाहने वाले, अच्छाई का साथ देने वाले ये कार्टून किरदार अगर आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम जैसे आसन करते दिखें तो हैरान ना होइएगा, ये मध्य प्रदेश की संस्कार धानी के खास मेहमान बनाए गए हैं ताकि बच्चों को योग से जोड़ा जा सके। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य समारोह के मशहूर कार्टून कैरेक्टर मोटू पतलू के साथ रुद्रा भी जबलपुर पहुंचे हैं। मां नर्मदा के तट गौरी घाट में मोटू पतलू और रुद्रा के साथ सैकड़ों बच्चों ने कठिन आसनों का प्रदर्शन और रिहर्सल किया। इस मौके पर डॉक्टर्स भी पहुंचे जिन्होंने कार्टून की थीम को एक्सप्लेन किया। सभी लोग योग करेंगे, बच्चों में योग की शिक्षा देना सबसे बड़ा काम है। हमारी नई जनरेशन बच्चों से ही तैयार होती है। अगर सभी लोग योग करेंगे हमेशा निरोग रहेंगे और डॉक्टर के पास कोई भी नहीं जाएगा। आपने मोटू पतलू का कैरेक्टर क्यों चुना? मोटू पतलू सभी बच्चे जो है ना बहुत ही उनको देखते हैं और बहुत उनको फॉलो करते हैं मोटू पतलू को। अब जैसे मोटू जो है ना समोसे खाता, तो बच्चे भी समोसे खाने के लिए इच्छुक होते हैं, तो इसलिए हमने मोटू पतलू को चुना कि मोटू पतलू का सब बच्चे देखें और उनका अनुसरण करें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश का मुख्य आयोजन इस बार संस्कार धानी जबलपुर में होने जा रहा है। इसके लिए बच्चों को प्रेरित करने के लिए भारत सरकार के आयुष मंत्रालय और जिला प्रशासन के द्वारा निकलोडियन चैनल के हीरो मोटू पतलू को भी बुलाया गया है। पवन पटेल, न्यूज 18, जबलपुर। तो मोटू पतलू बच्चों के साथ योग करते हुए नजर आएंगे और साथ ही में नजर आने वाला है रुद्रा भी। वही रुद्रा जो दुश्मनों के दांत खट्टे कर देता है, लेकिन अब योग से ये युद्ध रुद्रा जो है या मोटू पतलू जो हैं वो अपने फैंस बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनको एक मैसेज देने वाले हैं। और कल बेहद खास आयोजन होने वाला है, और इस आयोजन की अगर बात करें तो ये आयोजन जो है जबलपुर में होगा।